गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डेटा टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 30 और एक्सपोनेंट सीरीज का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि किसी भी नंबर को आप एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकते हो। तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट में कैसे लिखा जाता है। हम पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट में लिखने से पहले उस नंबर के हम पहले क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। मेरे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है 125 और सेकंड है 128। तो मैं पहले 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूं। पीछे 5 है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, मुझे मालूम है 125 होता है। वापस पीछे 5 आया इसलिए मैंने 5 से डिवाइड करा दिया। 5 5 25 होता है, 5 एक प्राइम नंबर है तो उसी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 जा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 125 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 5 × 5 × 5। तो मैं 125 को ऐसे लिखता हूं, यहां पे 5 1 2 3 बार आ रहा है तो ये 3 बार मैंने लिख दिया। 5 × 3 = 125। ये आपने 125 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। सेकंड हम बात करेंगे 128 की। तो 128 है, पीछे इवन नंबर आ रहा है इसलिए मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा, 2 6 2 4 जा। इवन नंबर आ रहा है 2 से कराऊंगा, 2 3 जा 2 2 जा। वापस इवन नंबर है 2 से कराऊंगा, 2 1 जा 2 6 जा। इवन नंबर आ रहा है 2 से डिवाइड कराऊंगा, 2 8 जा। इवन नंबर है 2 से करेंगे, 4 जा। इवन नंबर है 2 से करेंगे, 2 जा। 2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, 1 जा। तो यहाँ पे 128 है ये, उसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो 128 = 1 2 3 4 5 6 7। 2 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे 128 को 2 raised to 7 के फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये आपका 128 को आपने 2 raised to 7 के फॉर्म में लिखकर आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। आप ऐसे किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर करके आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ला सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम एक्सपोनेंट के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम रूल्स को पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बेस पे सम करेंगे और वो सम करने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारी एलजेब्रा की सीरीज, लीनियर इक्वेशन की सीरीज है, उसको भी पूरा स्टडी कीजिए ताकि आपका मैथ्स और भी अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच।